प्लेस टाइम्स I do not have anything else to say. There are like lots of things to share with you guys. And the demand for university is the utmost demand we all have to, you know, stand for together. I really have nothing much to say. I really thank you all for being there. You know, so we were expecting a last time. लद्दाखी भाषा में झूले का मतलब होता है लोगों को एक दूसरे को हाय हेलो बोलना. एक बहुत ही एक मीठी एक आवाज़ है, एक बहुत ही मीठा एक अल्फाज है झूले. तो आप सबको, सभी दिल्ली वालों को, मीडिया वालों को, काश्तुतन ले, आप सबको मैं तहे दिल से झूले बोलना चाहूँगा. झूले संगमाला. देखिए, सबसे पहली बात, जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में बात किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू और श्रीनगर के बारे में बात किया जाता है, लेह लद्दाख के बारे में कोई भी बात नहीं करता है कि नहीं. आज लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था कैसी है मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा. लद्दाख के अंदर तकरीबन 3-4 कॉलेजेस हैं, कारगिल, ले, नुब्रा और एक जगह है. वो सभी कॉलेजेस कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिशिएटेड है. कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिशिएटेड होने के वजह से बच्चों को क्या दिक्कत होता है. कश्मीर यूनिवर्सिटी का, कश्मीर का सूरत हाल हमेशा खराब रहता है. तो इसके वजह से सफर करना, तड़पना हमारे बच्चों को पड़ता है. पत्थरबाजी कश्मीर में होती है, कांच हमारे कॉलेजेस के टूटते हैं. आज एक करगिल के स्टूडेंट को, आज एक ले के स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करने के लिए 5 साल लगता है. 5 साल, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं लगता है. 5 साल ले के बच्चों को, करगिल के बच्चों को ग्रेजुएशन करने के लिए लगता है. और उसके बाद जब 5 सालों में ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर रिजल्ट के लिए फिर से 1 साल वेट करना पड़ता है. तकरीबन 5-6 साल बच्चों को ग्रेजुएशन करने के लिए लगता है. ये हम समझते हैं कि हमारे लद्दाख के युवाओं के साथ, हमारे लद्दाख के आवाम के साथ ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है. दूसरी बात, जो वहाँ पे डिग्री कॉलेज है उसमें सिर्फ एजुकेशन फॉर्मेलिटी के रूप में एजुकेशन है. आज डिग्री कॉलेजेस में, लद्दाख के कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ एक बीए प्रोग्राम होता है या फिर कोई बीकॉम होता है. आज ऑनर्स के लिए लद्दाख में कुछ भी नहीं है. अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो, अगर आप मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हो, कोई भी ऑनर्स के लिए कुछ भी नहीं है. लद्दाख को हमेशा पीछे रखा जाता है. दूसरी और तीसरी बात, लद्दाख के जितने भी युवा है, 90% ऑफ द लद्दाखी यूथ आर एजुकेशनल रेफ्यूजीज. हमें ना चाहते हुए भी लद्दाख को छोड़कर दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, देहरादून, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें पढ़ना पड़ता है. हमारे लद्दाख में आप सोचते होंगे कि अगर ये दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ यहाँ पढ़ते हैं तो लद्दाखियों के पास पैसा बहुत होगा. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ही बिल्कुल गलत बात है. लद्दाख का मेन इनकम है, क्या है इनकम? टूरिज्म. टूरिज्म चलता है 5-6 महीने तक, उसके बाद लद्दाख की बिल्कुल इनकम ही खत्म हो जाती है. लद्दाख में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, वो भी हम एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर भी सिर्फ 5-6-7 महीने तक होता है. लिमिटेड मंथ्स तक एग्रीकल्चर होता है. और एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन होता है वो हम सर्दियों में जो है सर्वाइव करने के लिए हम उसे जो है स्टॉक कर रखते हैं. हमने जम्मू में स्ट्राइक किया, हमने चंडीगढ़ में स्ट्राइक किया, हमने लेह, करगिल सब जगह स्ट्राइक किया, हमने बंद भी बुलाया, लेकिन आज तक लद्दाख के युवाओं की बात सुनने वाला आज तक कोई नहीं आया. ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है. आज आप देखोगे जम्मू में 6 यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस, IIT, और उसी प्रकार से श्रीनगर में भी 6-7 कॉलेजेस है. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, दुख की बात यह है कि लद्दाख के लिए आज एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है. अगर जम्मू और कश्मीर के बच्चे, अगर JNK के बच्चे हैं तो हम क्या लद्दाख के बच्चे जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं है? हम भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, हमें भी लद्दाख के लिए एक यूनिवर्सिटी चाहिए.
और उसके बाद अगर हम, और सबसे जरूरी बात आज मैं आप स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आज हमें जो है यूनिटी के साथ फाइट करना है। सबसे पहले हम लद्दाखी है, फिर उसके बाद हम करगिली या फिर हम लेह के बच्चे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, लद्दाखी है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। आज करगिल का भी एक ही आवाज होना चाहिए, आज लेह का भी एक आवाज होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। कौन से बोलो, हमें क्या चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कश्मीर लद्दाख का दौरा किया, हमने जो है स्ट्राइक किया था जम्मू में, हर जगह हमने स्ट्राइक किया। उसके बाद उन्होंने जो है लद्दाख का दौरा किया, लेह का दौरा किया, करगिल का दौरा किया, और वहां पे जो है एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एक सब सेंटर खोला है। ये मैं समझता हूँ ये काफी नहीं है, सब सेंटर की जरूरत नहीं है, हमें लद्दाख के लिए एक फुल फ्लेश यूनिवर्सिटी की जरूरत है। हम मीडिया वालों से बोलना चाहेंगे कि हमारी ये जो आवाज है वो पूरे देशवासियों तक पहुंचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचना चाहिए, देश के प्रेसिडेंट तक पहुंचना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अपने अपने ट्विटर पर, अपने अपने फेसबुक, इंस्टा आईडी, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आज से आंदोलन शुरू कर दो कि स्टैंड फॉर फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर से बोला हूँ कि हम सबको एक होना है, स्टूडेंट पावर को एक होना है। अगर हम स्टूडेंट्स एक हो जाए तो यूनिवर्सिटी क्या है, हम सरकार बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है हम स्टूडेंट्स को एक होना है। कि आज ये लद्दाखी स्टूडेंट सड़कों पर क्यों उतरे थे, आखिर क्या वजह है कि आज लद्दाखी स्टूडेंट्स सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। उमूमन आपने करगिली और लेह के स्टूडेंट्स को इस तरह नहीं देखा होगा कि कभी वो सड़कों पे आकर शोर कर रहे हो, कभी उन्होंने गाड़ियां रोकी हो, कभी उन्होंने सड़कें जाम करी हो। लेकिन मैं आज पूरे मुल्क को ये बता देना चाहता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को ये बता देना चाहता हूँ, आप जिस 3-4 महीने के लिए जिस लद्दाख में छुट्टियां गुजारने आते हैं, उन लद्दाखी लोगों की जिंदगी को भी जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिए, उन लद्दाखी यूथ की जिंदगी को भी गौर से देखने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो लद्दाख जो कुदरत ने इतना खूबसूरत बनाया है, वो लद्दाख जिसकी चोटियां इतनी खूबसूरत है, वो लद्दाख जिसकी वादियां इतनी खूबसूरत है, वो लद्दाख जिसके दरिया इतने खूबसूरत है, उस लद्दाख के दामन में पसने वाले इन आवाम के दिलों में इतने दर्द मौजूद है, उस लद्दाख की वादियों में पसने वाले जवानों के दिलों में इतने दर्द मौजूद है। पूरी दुनिया लद्दाख के जाहिर को तो देखती है, लेकिन लद्दाख के दिल में जो दर्द मौजूद है उसे कोई देखने और समझने की कोशिश नहीं करता। ये आज की बात नहीं है, ये पूरे 70 साल का इतिहास है। जब जब लद्दाख ने अपने हक की बात की है, हमेशा उसे झूठा कहा गया, हमेशा उसे दबाया गया, हमेशा उसे दबाया गया। करगिल में जब हमने जोजिला टनल के लिए प्रोटेस्ट किया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे एहतजाज को यह दिखाता है कि करगिल में शदीद सर्दी के 22 लोग टायर जलाकर अपने आप को गर्म कर रहे हैं, से मिसलीड किया जाता है। करगिल में जब स्वच्छता की बात की, लेह में जब अपने अधिकारों की बात की, लद्दाख में जब अपने हुकूक की बात की, हमेशा लॉलीपॉप दिया गया। कल एक कल हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब आए, लद्दाख का दौरा किया और आकर कहते हैं कि हमने यहाँ एक एग्जामिनेशन सेंटर लेह में खोला है, एक एग्जामिनेशन सेंटर करगिल में खोला है। मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ, कब तक लद्दाखियों को लॉलीपॉप देते रहोगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे। वो दौर गया, वो जमाना गया जब तुम ये कहते थे कि लद्दाखियों को बोलना नहीं आता, लद्दाखियों को लिखना नहीं आता, लद्दाखियों को सुनना नहीं आता। वो जमाना गया जब दुनिया हमें बेवकूफ समझती थी, वो जमाना गया जब ये कहते थे कि लद्दाखियों को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता। ख्वाब-ए-गफलत से निकल जा।
अपने मुस्तकबिल का फैसला करना भी आता है। और मैं वाजे करना चाहता हूं कि ये हमारा मूवमेंट, ये हमारा प्रोटेस्ट किसी शख्स के या किसी इदारे या किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं, किसी के साथ के खिलाफ नहीं, किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं जहां हमारी तहजीब में, लद्दाख की तहजीब में हमें यह चीज सिखाई ही नहीं जाती। लद्दाख अपनी ईमानदारी के लिए माना जाता है, लद्दाख अपने अमन के लिए माना जाता है, लद्दाख अपने वैल्यूज के लिए माना जाता है। अगर पूरे मुल्क में अगर कोई एक ऐसी सरजमीन है जिसे सरजमीन अमन कहा जाता है तो वो मेरा लद्दाख है, वो मेरा लद्दाख है। आज जैसे कि मुझसे पहले के स्पीकर्स ने बताया कि सैकड़ों आज यूथ माइग्रेट होते हैं करगिल को, लेह को छोड़कर जम्मू में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, मुंबई में, हर जगह जाते। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी नॉर्थ इंडिया के अंदर सिर्फ 13% यूथ ऐसे हैं जिनका हायर एजुकेशन तक का एक्सेस है। सिर्फ 11% की आबादी साउथ इंडिया में जिसका एक्सेस हायर एजुकेशन तक है, और ओवरऑल ओनली 10% ऑफ यूथ्स जिनका एक्सेस हायर एजुकेशन तक है। और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि लद्दाख तो आबादी कम है, ठंडा है, ऐसा है, वैसा है। मैं उनको साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, ये बहानेबाजी बंद करो, ये धोखा देना बंद करो। जब हिमाचल जैसी सर्द जगहों में यूनिवर्सिटी बन सकती है, अरुणाचल के ऐसी अंडमान निकोबार में यूनिवर्सिटी बन सकती है, लक्षद्वीप में यूनिवर्सिटी बन सकती है, लद्दाख में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? ये बेवकूफ बनाना बंद करो, ये उलझाना बंद करो। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, तुम हमें लॉलीपॉप नहीं दे सकते। कल एक साहब कह रहे थे, जब से हमने यूनिवर्सिटी की इस तहरीक को चलाया है, लद्दाख के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की मांग रखी है, कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया है, कुछ लोगों का फीवर 104 डिग्री पे पहुंच गया है। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई मजाक नहीं होता, यूनिवर्सिटी कोई मखौल नहीं होता। जानते भी हो यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कितनी जमीन चाहिए होती है, कितना फंड चाहिए होता है। मुझे हंसी आई इन लोगों की जबान पर, इन लोगों की बातें सुनकर। मेरे भाई, बेवकूफ किसी और को बनाना, रहा मसला जमीन का तो मैं तुम्हें बता दूं, 60% जम्मू कश्मीर हमारा है, 60% जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारी टेरिटरी है। इसलिए जमीन का बहाना न करो। और यहां मसला पैसे का तो ये सवाल जाकर हुकूमत से पूछो, गवर्नमेंट से पूछो, जब मूर्तियां बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपया मिसलीड न करें, किसी तरह मिसलीड करने की कोशिश न करें। और ये मसला कि यूनिवर्सिटी कहाँ होनी चाहिए, किस जगह होनी चाहिए, मैं अपने सारे साथियों से कहना चाहूंगा, ये बात दूसरी है कि कहाँ हो, कैसी हो, ये हमारा घर का आपसी मामला है। हम बाद में हल कर लेंगे, बाद में तय कर लेंगे, लेकिन इस मसले को किसी के जरिए से कहीं पर भी ये पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हमारी ये नहीं रुकनी चाहिए, यही एक नहीं है।
लोगों ने कल से कहना शुरू किया है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के लिए फिजिबल जगह नहीं है। कई दिन से कह रहे हैं कुछ लोग। मैं एक बात कहकर आप सबसे रुखसत चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में अगर कोई सरजमीन अमन है तो वो लद्दाख है। और पूरे जम्मू कश्मीर में जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं आज वो मेरा लद्दाख है। तुम ऐसी यूनिवर्सिटी बना के देखो जो साल के 6 महीने घूमने के लिए आएंगे, वो स्विट्जरलैंड और अमेरिका।